खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां 7 अप्रैल को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 20,000 के ऋण आवंटित लक्ष्य की पूर्ति 15 अप्रैल तक करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम ने नगर निकायों एवं बैंकर्स की डीएलबीसी टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 7 अप्रैल तक पीएम स्वनिधि की योजना के प्रथम ऋण में 10,000 का भुगतान करने वाले सभी स्ट्रीट वेंडरों का हर हाल में 2 दिन के अंदर 20,000 के ऋण ऑनलाइन मुहैया कराए जाएं। डीएम ने बैंक शाखा प्रबंधकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि 20,000 के ऋण जितने भी ऑनलाइन आवेदन नगर निकायों के द्वारा बैंकों को भेजे गए हैं, उनका 100% स्वीकार करने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की लापरवाही की तो बड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना का नगर निकाय की आम भाषा में प्रचार प्रसार कराने और सभी वेंडरों को इस योजना से होने वाले फायदे के जानकारी देने के लिए निर्देश दिए। देखिए, शासन की प्राथमिकता का कार्यक्रम जो पीएम स्वनिधि, जिसमें जितने भी शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी और जो दुकानदार हैं, छोटे जो रोज़मर्रा का अपना व्यवसाय करते हैं, उनको 10,000 रुपया जो लोन देने की योजना है पीएम स्वनिधि के तहत, उसके तहत आज ये बैठक हुई है, जिसमें सभी बैंकर्स और सभी लोकल बॉडी के ईओ पीओ डोडा, इनकी पूरी टीम की बैठक ली गई। और इसमें जो पहली योजना थी हमारी, जिसमें 10,000 लोन देने थे, उसमें 96% तक हम लोग अचीव कर चुके हैं। जो शेष रह गए थे उनको पूरा करने के निर्देश सभी को दिए गए कि इसको 15 अप्रैल तक प्रत्येक दशा में जो भी हमारी पहली योजना थी उसको कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार से दूसरी योजना उसके आगे शुरू हुई है पीएम स्वनिधि की, जिसमें 20,000 रुपये उनको लोन में दिए जाएंगे, जिनके पहले लोन क्लोज हो चुके हैं। तो उसके लिए भी इनको बताया गया कि 15 अप्रैल तक सभी के जिनके लोन पूरे हो चुके हैं, उनका ऑनलाइन आवेदन करके, उनका सैंक्शन करके, उन सभी को लोन डिसबर्स कर दिया जाए।